वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। कम्युनिकेशन के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि कितने तरीके की कम्युनिकेशन कर सकते हैं या पॉसिबल है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और साथ ही साथ कौन कौन से कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं और कम्युनिकेशन नेटवर्क होता क्या है। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, दो तरीके कम्युनिकेशन होता है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। नाम सुन के पता चला है, फॉर्मल यानी कि डेजिग्नेटेड होता है, इनफॉर्मल कैजुअली कुछ भी। जैसे कि हम कपड़ों से इसको रिलेट कर सकते हैं, हमारे फॉर्मल क्लोथ्स बहुत ऐसे होते हैं, जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, ऑफिस में पहन कर रहे हैं, वो फॉर्मल क्लोथ्स अलग ही विजिबल होते हैं और बाकी को हम कैजुअल वेयर ही कहते हैं। तो ये भी सेम वही रिलेशन है फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। एक चीज बस याद रखना कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेपवाइन भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि ग्रेपवाइन क्या है, दैट मींस आपसे पूछा गया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं, डिफरेंस से ही हम कंसेप्ट को समझ लेंगे। मीनिंग, फॉर्मल का मतलब होता है फिक्स्ड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन मेंशन होती है, और फॉर्मल कम्युनिकेशन इन्हीं फिक्स लाइन से गो थ्रू करता है, यानी कि या तो टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, या फिर आपस में आप बात कर सकते हो। लेकिन इनफॉर्मल में ऐसी कोई भी फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन डिफाइन नहीं होती, ये कहीं भी किया जा सकता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके से। दे आर नो फिक्स लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन इनफॉर्मल। फिर है डायरेक्शन ऑफ फ्लो, या तो ये टॉप टू बॉटम किया जाएगा यानी कि सीनियर से सबऑर्डिनेट तक, या फिर ये बॉटम टू टॉप किया जाएगा यानी कि सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, या फिर दो डिपार्टमेंटल हेड्स के बीच में बात होगी, या दो वर्कर्स के बीच में बात होगी। यानी कि तीन तरीके से डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है, जिसको हम फर्दर कहते हैं टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो तीन तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं फॉर्मल वाले। अब इनफॉर्मल में कोई फिक्स लाइन तो होती नहीं है, तो ये यूजुअली किसी भी तरीके से पास ऑन हो सकते हैं किसी भी बंदे पे, और इसको हम ग्रेपवाइन कहते हैं। प्लस पहला एग्जाम्पल, कैंटीन में वर्कर्स बात करें, चिट चैट करें, या फिर ऑफिस के बाद आप चिट चैट कर रहे हो, या ऑफिस के अंदर ही दो कलीग्स आपस में चिट चैट कर रहे हैं, तो वो सारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आता है, सॉरी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। फिर फॉर्म, फॉर्म का मतलब ये होता है कि किस फॉर्म में कम्युनिकेशन हो रहा है, ओरल या रिटन। ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी, जनरली रिटन होता है बट ओरल भी आप कर सकते हो, लेकिन इनफॉर्मल वाला ओरल ही होता है। क्यों? क्योंकि इसकी वैलिडिटी ही नहीं है, ये जस्ट टाइम पास करने के लिए। ऑब्वियसली ऑफिस में आप काम करते करते बोर हो जाते हो, स्कूल में भी आप बात करते हो, तो इसीलिए इतना ऑथेंटिक नहीं होता है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा। तो इसीलिए इसको ओरली किया जाता है, लेकिन इसको रिटन इसलिए करते क्योंकि ये ऑथेंटिक होता है, हम इस पे लायबल या सॉरी रिलायबल हो सकते हैं। समझ आ गया। फिर है स्पीड, ये स्लो होता है। क्यों? क्योंकि इसको फिक्स चेन फॉलो करनी पड़ती है। ये फास्ट होता है क्योंकि इसको कुछ भी फॉलो नहीं करना पड़ता, ये कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हो आप। फिर है ऑथेंटिसिटी, बता दिया ये ज्यादा ऑथेंटिक होता है, ये नहीं होता। एम, इसका होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना। ऑब्वियसली आप फॉर्मल चेंज को फॉलो कर रहे हो, या फिर मैं ये कहूँ फिक्स चेंज को फॉलो कर रहे हो, क्यों? जिससे कि आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर पाओ। ये होता है आपके पर्सनल नीड्स को फॉलो करने के लिए। कौन सी नीड्स? पर्सनल नीड्स को फॉलो करने के लिए। एक बार और देख लेते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जहाँ कम्युनिकेशन को फिक्स लाइन्स या फिक्स चेन फॉलो करनी पड़ती है। ये कैसे कैसे फ्लो होता है,
टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप या फिर हॉरिजॉन्टली, जिसको हम कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, जर्नली रिटन किया जाता है, क्यों? क्योंकि ज्यादा ऑथेंटिक होता है, इसके ऊपर आप रिलाय कर सकते हो। फिर उसके बाद है कि ये ज्यादा टाइम लेता है, स्लो है और टाइम कंज्यूमिंग है, क्यों? क्योंकि इसको फिक्स चेन फॉलो करनी पड़ती है। एम क्या होता है इसका? ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना। अब देखते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सॉरी मैं बार बार कंफ्यूज हो रही हूँ, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि इसको कोई भी फिक्स चेन फॉलो नहीं करनी पड़ती, ये किसी भी बंदे से, आप किसी भी पर्सन से बात कर सकते हो, दे आर नो फिक्स्ड अथॉरिटी या फिर फिक्स लाइंस कि हाँ आपको इसी ऑर्डर में बात करनी है। फिर उसके बाद जब कोई फिक्स चेन नहीं है तो कोई डायरेक्शन नहीं है, कहीं भी बात हो सकती है। फिर ये कम ऑथेंटिक होते हैं और ये ओरली ही किए जाते हैं। नेक्स्ट, फास्ट होते हैं और स्प्रेड र्यूमर्स करते हैं ज्यादा, क्योंकि इनकी बात का कोई सरपैर नहीं होता, दे आर जस्ट फॉर टाइम पास, और ये हमारी पर्सनल और सोशल नीड्स को पूरा करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, इनफॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने इसमें टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन भी समझा दिया है, अलग से ऐसा कुछ नहीं है, बस तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है अपवर्ड, दूसरा होता है डाउनवर्ड और तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल। अपवर्ड यानी कि सबॉर्डिनेट से सुपीरियर तक, डाउनवर्ड होता है सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, और हॉरिजॉन्टल होता है दो वर्कर्स या दो कलीग्स या दो हेड्स के बीच में बात होना। ये आपके टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि मैम मेरे को इसको ब्रीफली समझाना, मतलब समझना है, या आपको नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं जब रिवीजन लूंगी उस टाइम पे मैं इसको और ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अपने प्रॉब्लम्स, अपने थॉट्स आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, तो अगर आपको कोई भी वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस होती है तो आप कमेंट बॉक्स पे आराम से लिखो, मैं हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे दूंगी। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क का मतलब होता है वो पैटर्न जिसमें कम्युनिकेशन फ्लो हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। फाइन, यानी कि द पैटर्न थ्रू विच कम्युनिकेशन फ्लोज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले हम देख लेते हैं फॉर्मल के कम्युनिकेशन नेटवर्क। पहला है सिंगल चेन। सिंगल चेन का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन, एक तरीके से ऑब्वियसली नाम सुन के पता चल रहा है, तो इसका मतलब होता है हर एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट से एक सिंगल चेन में बात करता है। ए सुपीरियर है बी का, बी सुपीरियर है सी का, सी सुपीरियर है डी का, तो ये एक सिंगल चेन में कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से, तो वो है सिंगल चेन कम्युनिकेशन नेटवर्क। फिर है व्हील नेटवर्क। व्हील नेटवर्क का मतलब ये होता है कि हर एक सबऑर्डिनेट, ये सबऑर्डिनेट है, ये सबऑर्डिनेट है, ये सबऑर्डिनेट है, ये सबऑर्डिनेट, हर एक सबऑर्डिनेट सिर्फ अपने सुपीरियर से बात करेगा, लेकिन आपस में ये बात नहीं कर सकते। समझ आया? यानी कि हर एक सबऑर्डिनेट सिर्फ और सिर्फ अपने सुपीरियर से बात करेगा, आपस में बात नहीं कर सकते। वो कौन सा नेटवर्क है? व्हील नेटवर्क। ध्यान से पढ़ना ये, क्यों? क्योंकि आइडेंटिफिकेशन केस स्टडीज के टाइम पे या फिर एक नंबर के एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस बहुत बन सकते जिसमें आप बिना बात के मार्क्स लूज करोगे, तो इसको ढंग से याद कर लोगे या फिर ढंग से आइडेंटिफिकेशन समझ लोगे तो ईजी रहेगा। व्हील नेटवर्क का मतलब क्या है? कि सबऑर्डिनेट सिर्फ सुपीरियर से बात करेगा, अपने से बात नहीं करेगा। सिंगल चेन, हर एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट से बात करेगा सीधी लाइन में, कोई मसला नहीं होना चाहिए। फिर सर्कुलर नेटवर्क, यानी कि हर एक बंदा अपने
अडजॉइनिंग दो बंदों से बात कर सकते हैं, यानी कि ए जो है वो बी से बात कर सकते हैं, सी से बात कर सकते हैं, लेकिन डी से नहीं कर सकता। बी ए और डी से बात करेगा, सी डी और ए और डी से बात करेगा, लेकिन ना सी बी से करेगा ना बी सी से करेगा। समझ आ गया? तो वो है सर्कुलर नेटवर्क। फिर आते हैं फ्री फ्लो। फ्री फ्लो का मतलब है कोई किसी से भी बात करे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। समझ गए? ये हमारा फ्री फ्लो नेटवर्क है। और फिर इन्वर्टेड बी। इन्वर्टेड बी का मतलब होता है कि दो सबऑर्डिनेट्स या फिर एक सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर से बात कर सकता है और उसके भी सुपीरियर से बात कर सकता है। ये हमारा सुपीरियर था और ये हमारे सबऑर्डिनेट्स थे। सुपीरियर के भी सुपीरियर से ये सबऑर्डिनेट बात कर सकते हैं, यानी कि डायग्राम में ही मेंशन हो रहा है कौन किससे बात कर सकता है। जैसे कि सिंगल चेन में ए बी से कर सकता है, बी सी से कर सकता है, सी डी से कर सकता है, ऐसे ही ट्रांसफर होगा। ये इससे कर सकता है लेकिन ये इससे नहीं कर सकता। समझ आया? एक सिंगल चेन में ही कम्युनिकेशन फ्लो हो रहा है। वी नेटवर्क में सब लोग ए से बात करेंगे लेकिन ये आपस में बात नहीं कर सकते, वो है वी नेटवर्क। सर्कुलर में जो एक बंदा है वो अपने एडजॉइनिंग दो बंदों से बात कर सकता है सिर्फ और किसी से नहीं। फ्री फ्लो में आप किसी से भी बात कर सकते हो और यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल से मिलता जुलता है। इन्वर्टेड वी में आप सुपॉर्डिनेट्स हो, सुपीरियर से बात कर सकते हो, सुपीरियर के सुपीरियर से भी बात कर सकते हो। आप एक बार इनफॉर्मल के भी कम्युनिकेशन नेटवर्क देख लेते। फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, पहली बात फॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेज क्या आते हैं कि ये फास्ट कम्युनिकेशन ट्रांसफर करता है, यानी कि यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट होता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या था कि र्यूमर्स जनरेट करते हैं, कोई वैलिड इंफॉर्मेशन नहीं मिलती हम लोगों को, दूसरा हमारी इंफॉर्मेशन या फिर ये कम्युनिकेशन डिसऑर्ड हो जाता है, खराब हो जाता है, रिलायबल नहीं रहता, सीक्रेट शेयर हो जाते हैं। इसीलिए अलग अलग तरीके के कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जिससे मैं लास्ट से स्टार्ट कर रही हूँ, क्लस्टर नेटवर्क। ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड है। क्यों? क्योंकि ये इसका मतलब ये है कि एक पर्सन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बात ही तब करेगा जब वो उस पर्सन पे ट्रस्ट करता हो। जैसे कि मान लो एक डायग्राम बनाते रैंडमली, क्योंकि ग्रेपवाइन या इनफॉर्मल के लिए कोई डिफाइंड चैनल नहीं है, तो इसके डायग्राम भी हम खुद ही अपनी अंडरस्टैंडिंग से बनाएंगे। क्लस्टर नेटवर्क का मान लेते हैं, ये एक पर्सन है एक्स, ये इस बंदे पे ट्रस्ट करता है वाई पे, लेकिन वाई जो है वो जेड पे ट्रस्ट नहीं करता, ए पे ट्रस्ट करता है, इसलिए वो ए को बात बताएगा। ए बी पे ट्रस्ट नहीं करता, सी पे ट्रस्ट नहीं करता, वो डी पे ट्रस्ट करता है, इसलिए वो डी को बात बताएगा। फिर उसके बाद एक्स जो है वो वाई पे तो ट्रस्ट करता था लेकिन वो जेड पे भी करता है, तो वो जेड को भी बात बताएगा। यानी कि यहाँ पे कम्युनिकेशन सिर्फ उन लोगों के बीच में होगा जिन लोगों को आप ट्रस्ट करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी पर्सनल लाइफ में। तो ये कॉमनली यूज्ड हमारा नेटवर्क होता है। फिर आते हैं प्रोबेबिलिटी नेटवर्क पे, यानी कि हम रैंडमली पर्सन चूज करते हैं, ऐसा कोई डिफाइंड चैनल नहीं है या कोई डिफाइंड पर्सन नहीं कि इससे बात करूंगा, इससे बात करूंगा, इससे बात करूंगा, इससे नहीं करूंगा, नहीं, हम रैंडमली कोई भी एक पर्सन को उठाते और हम उससे बात करना शुरू कर देते। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बना लेते। आई नो ये थोड़ा केमिकल रिएक्शन जैसा लग रहा होगा, बट इसको आप पर्सन काउंट करना अपने कंपाउंड्स ने, ठीक है। चौक सवार, गॉसिप नेटवर्क। गॉसिप नेटवर्क का मतलब ये होता है कि मैं एक पर्सन देखता हूँ, उससे बात करती हूँ, उसके दूसरा पर्सन है, दूसरे पर्सन से बात करी, यानी कि हमारा जो बात हो रही है
वो कोई सिलेक्टिव बेसिस पे नहीं हो रही है, या कोई सिलेक्शन पे नहीं हो रही है, ऐसे ही रैंडमली जैसे प्रोबेबिलिटी है वैसे ही हमारा गॉसिप नेटवर्क है कि भाई बात करनी शुरू हो गई। मान लो कैंटीन में चार लोग बैठे थे, पांचवा पर्सन वहां से आया और उसने ग्रुप देखा और उसने बात करनी शुरू कर दी, तो ऐसे होते हैं हमारे गॉसिप नेटवर्क। ये इसने इससे बात की, 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 यानी कि एक पर्सन है जो इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वही सबसे बात कर रहा है। सिर्फ इसमें और इसमें ये डिफरेंस है, इसमें हर एक बंदा नॉन सिलेक्टिव बेसिस पे बात कर रहा है, लेकिन इसमें एक पर्सन है जो किसी भी बंदे को उठा के बात करना शुरू कर रहा है। और लास्ट है सिंगल स्ट्रैंड, ये जो है ये मिलता जुलता है आपका सिंगल चेन से, यानी कि ये बस उसमें क्या था कि आप इससे बात करोगे, ये इससे बात करेगा, इससे बात करेगा, लेकिन इनफॉर्मल में आप इससे भी बात कर सकते हो, आप इससे भी बात कर सकते हो, आप इससे भी बात कर सकते हो, सिमिलरली इससे भी बात कर सकता है, ये इससे भी बात कर सकता है, ये इससे भी बात कर सकता है, एंड सो समझ आ गया। सिंगल स्टैंड का मतलब है स्ट्रेट लाइन में बात होगी लेकिन कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। गॉसिप नेटवर्क का मतलब है कि हम नॉन सिलेक्टिव बेसिस पे किसी भी बंदे से बात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब है रैंडमली कोई पर्सन को चूज करना। और क्लस्टर नेटवर्क का मतलब होता है कि जिस पर्सन पे आप ट्रस्ट करते हो आप सिर्फ उसी से बात कर रहे हो। तो आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया फाइनली। रिवीजन और केस स्टडीज की वीडियोस आने के बाद फाइनली इस चैप्टर में कुछ नहीं बचेगा। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक रह गया या कोई टॉपिक मैम को दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहिए या आपको समझ नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने थॉट शेयर कर देना। मैं उस अकॉर्डिंग जब रिवीजन लेना शुरू करूंगी मैं वो सारी प्रॉब्लम्स ध्यान में याद रखूंगी और उस अकॉर्डिंग ही आपकी रिवीजन वीडियो बना दूंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन और केस स्टडीज करने के बाद इस चैप्टर को फाइनली क्लोज करेंगे और चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन।